वाट्स अप ग आई होप यूर ऑल डूइंग वेल वेलकम बैक टू एबस्ट्रैक्ट लर्निंग स्टार्टिंग जीके का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में जो है रिवर्स एंड डैम्स मेनली हमारा फोकस डैम्स पर रहेगा रिवर्स थोड़ी बहुत आपको ओवरव्यू मिल जाएगा तो जब हम रिवर्स कवर करेंगे उस टाइम पर आपके लिए ईजी हो जाएगा इस वीडियो में आज हम इन सारे स्टेट्स के डैम्स करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट हैं सिर्फ वो करेंगे अदरवाइज नॉर्मली किसी भी स्टेट में हंड्रेड तो डैम्स मिल ही जाते हैं तो सबसे पहली बात है कि डैम होता क्या है अ डैम इज अ बैरियर दैट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ वाटर एक बांध एक बाधा है जो पानी के प्रवाह को रोकता है एंड रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ रिजर्व अब पानी के प्रवाह को अगर रोका जाएगा तो वो पानी एक जगह कलेक्ट होता है जिसे रिजर्व कहते हैं या फिर जलाशय कहते हैं डैम्स आर मेनली बिल्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बांध का मुख्य रूप से उपयोग बिजली का उत्पादन करने के लिए होता है दिस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से बनाई हुई बिजली को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं सबसे पहला स्टेट जो हमारा आज का है वो है जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में पांच इम्पोर्टेंट डैम्स हैं सबसे पहले छुटक जो सुरू रिवर पर है फिर किशनगंगा किशन गंगा नदी पर उड़ी डैम झेलम पे बगलीहार डैम चेनाब पे एंड निम्बू बाजगु डैम इंडस नदी पे मैप में इनकी लोकेशन कर लेते हैं सबसे पहले कश्मीर के मैप में यहाँ पे है किशन गंगा और किशन गंगा पे यहाँ पर है किशन गंगा डैम सेकेंड जो रिवर है वो है झेलम झेलम पे डैम है जो है उड़ी डैम उड़ी के इंसिडेंट्स आप सबको पता होंगे नेक्स्ट कर लेते हैं चेनाब नदी पे बगलीहार डैम ये चेनाब नदी है ऐसे जा रही है और इस पर यहाँ पे ये है बगलीहार डैम उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डैम है वो है सुरु नदी पे छुटक डैम ये रहा यहाँ पे सुरु नदी है और इस पर छुटक डैम है लास्ट है हमारा इंडस नदी पे बाजगु डैम क्या है बाजगु डैम ये कौन सी नदियों पे है वो आप याद रखना किशनगंगा तो बहुत इजी है किशनगंगा नदी पे ही है उड़ी जो है वो झेलम पे है उड़ी के अटैक्स में हमारे सैनिकों को बहुत झेलना पड़ा इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि उड़ी इज ऑन झेलम बगलीहार डैम बगल में ही है उड़ी के बगल में ही है बगलीहार डैम चेनाब नदी पे सुरु डैम और छुटक सुरु नदी पे छुटक डैम बहुत यूनिक सा कॉम्बिनेशन है ये वैसे ही याद हो जाएगा और ये जो बाजगु है ये सुनने में ही थोड़ा लद्दाख साइड का नाम लगता है तो बाजगु डैम जो है वो इंडस नदी पे है नेक्स्ट स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में चार डैम्स इम्पोर्टेंट हैं सबसे पहला है भाखड़ा नंगल डैम वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेकेंड इज चमेरा डैम जो रावी नदी पे है तीसरा पांडो डैम और चौथा पोंग डैम ये पांडो और पोंग दोनों ही ब्यास नदी पे हैं भाखड़ा नंगल सतलुज और चमेरा रावी नदी पे है एक बार मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं ये है हमारा हिमाचल प्रदेश का मैप हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे पंजाब के बॉर्डर पे लगता हुआ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के पास से भाखड़ा नंगल डैम आप अगर मैप से इसको याद करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा नेक्स्ट है हमारा चमेरा डैम चंबा डिस्ट्रिक्ट में चंबा से चमेरा याद रह जाएगा और चंबा कहाँ है हिमाचल प्रदेश में तो चमेरा डैम है रावी नदी पे चमेरा आप कैसे याद रखोगे चमेरा रावी पे है चोर याद रख लो च से चमेरा और र से रावी चोर याद रख लो हिमाचल प्रदेश में चोर आया चमेरा आया ठीक है पांडो डैम कहाँ है पांडो डैम है हमारा मंडी में मंडी कुल्लू के पास एक एरिया है और वहाँ पे है हमारा पांडो डैम दोनों ही ब्यास नदी पे है पांडो भी और पोंग भी तो हम मान सकते हैं कि ब्यास नदी इस तरीके से मूव कर रही होगी कैसे मूव कर रही है ब्यास ऐसे तो मंडी में है पांडो और कांगड़ा में है पोंग पैन पोंग याद रख लो पैन पोंग पिंग पोंग तो सबको ही पता है पैन पोंग याद रख लो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा स्टेट है वो है पंजाब पंजाब में एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रणजीत सागर डैम ये रणजीत सागर डैम जो है ये बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में है धर्मशाला बहुत पास पड़ता है इसके पठानकोट से भी ऊपर है तो रणजीत सागर डैम रणजीत सागर लेक पे प्रेजेंट है इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी नेक्स्ट स्टेट है हमारा हरियाणा हमें पता है यमुना नदी यहाँ से एंटर करती है और ऐसे दिल्ली से होती हुई एग्जिट कर जाती है तो यमुना नदी जहाँ से एंटर कर रही है वहीं पे है यमुना नगर में ताजे वाला डैम तो यमुना नदी की एंट्री पे है ताजे वाला डैम और ताजे वाला डैम की वजह से जो वहाँ पे पानी रिजर्वायर बनता है उसे कहते हैं हथनी बैरेज नेक्स्ट स्टेट है हमारा उत्तराखंड उत्तराखंड में दो डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक टिहरी और एक रामगंगा डैम जो टिहरी डैम है वो भगीरथी नदी पे है रामगंगा डैम रामगंगा नदी पे है ये हमारा उत्तराखंड का मैप है उत्तराखंड के मैप में टिहरी गढ़वाल करके एक डिस्ट्रिक्ट है देहरादून के पास वहीं पे है टिहरी डैम ये कौन सी नदी पे बताया मैंने ये बताया मैंने भगीरथी नदी पे सेकेंड है पौड़ी गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल के साउथ में है बिल्कुल रामगंगा डैम ये रामगंगा नदी पे है राजस्थान में दो इंपॉर्टेंट रिवर्स करेंगे हम एक है चंबल एक है बानस एक लूनी भी कर लेंगे थोड़ी बहुत तो चंबल पे चार इंपॉर्टेंट डैम्स हैं सबसे पहले है गांधी सागर डैम चंबल पे सबसे पहले है गांधी सागर डैम उसके बाद है राणा प्रताप सागर डैम उसके बाद है जवाहर सागर डैम और लास्ट में है कोटा बैरेज कोटा बैरेज लीस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट जवाहर सागर राणा प्रताप सागर डैम गांधी सागर डैम ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं याद रखने हैं एक और है जवई डैम जवई डैम जो है वो लूनी नदी पर है लूनी नदी इंडिया की इनलैंड रिवर है जो राजस्थान से ओरिजिनेट होती है और गुजरात का कच्छ का जो इलाका है वहाँ पे ये डिस्टपियर हो जाती है इसके अलावा एक बिसालपुर डैम है जो बानस नदी पे है ये बिसालपुर डैम हो गया नेक्स्ट स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में कुछ इम्पोर्टेंट करने हैं हमने मध्य प्रदेश में सबसे पहला है इंदिरा सागर डैम जो नर्मदा नदी पे है नर्मदा नदी पे यहाँ पे तीन डैम्स इम्पोर्टेंट है एक इंदिरा सागर एक ओमकारेश्वर और एक बारगी डैम ये तीनों याद रखने हैं बारगी, इंदिरा सागर एंड ओमकारेश्वर तीनों ही नर्मदा नदी पर हैं। उसके बाद है तवा रेजरवायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ ऑफ नर्मदा में है तवा रेजरवायर उसके बाद है बान सागर डैम जो कि सोन नदी पे है ये बान सागर डैम है फिर लास्ट है राजघाट जो बेतवा नदी पे है ये बेतवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से है इंदिरा सागर डैम फिर तवा रिजर्वायर ओमकारेश्वर और ये के बांध सागर नेक्स्ट स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम जो डैम्स हैं वो साउथ उत्तर प्रदेश में मिलेंगे आपको सबसे पहले है धनराउल जो घग्गर नदी पे है ये जो मैं मार्क कर रही हूँ हाईलाइट कर रही हूँ दिस इज धनराउल वाराणसी के साउथ में है धनराउल के ही नीचे है गोविंद बल्लभ पंत सागर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट उसी के साथ है एक रेहान्द डैम रेहान्द डैम कौन सी नदी पे है रेहान्द नदी पे ही है तो रेहान्द नदी पे हमने दो डैम्स पढ़ने हैं एक रेहान्द डैम और एक गोविंद बल्लभ पंथ सागर डैम ये दो जो डैम्स हैं ये रेहान्द पे हैं, रेहान्द नदी पे इसके अलावा बेतवा एक रिवर है बहुत इंपॉर्टेंट है बेतवा पे तीन डैम्स हैं यूपी के एक परीक्षा डैम एक राजघाट और एक मटा तीला यहाँ से इस तरीके से आ रही है हमारी बेतवा नदी और ये जाके फिर गंगा नदी से मिलेगी पर यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि इस पे तीन इम्पोर्टेंट डैम्स हैं साउथ टू नॉर्थ सबसे पहले राजघाट उसके बाद मटा तीला और सबसे ऊपर परिच्छा नेक्स्ट स्टेट है हमारा गुजरात गुजरात इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे है सरदार सरोवर डैम सरदार सरोवर डैम पे हमारी रिसेंटली कुछ दो साल पहले एक मूर्ति बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस स्टैचू का क्या नाम है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सरदार सरोवर डैम इज ऑन नर्मदा रिवर यहाँ से ऐसे आ रही है नर्मदा रिवर और यहाँ से वो एग्जिट करेगी खम्बात की खाड़ी में गिरेगी वो जाके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डैम इज उकाई डैम उकाई डैम तापी नदी पे है यहाँ से ऐसे अगर नर्मदा आ रही है तो ऐसे करके तापी नदी आती है दोनों पैरल ही आते हैं और तापी नदी पे है उकाई डैम वेरी इंपॉर्टेंट फिर है दांतीवाड़ा डैम जो वेस्ट बानस रिवर पे है बानस यहां से ऐसे फ्लो करती हुई आएगी और उसपे है हमारा दांतीवाड़ा डैम एक कंडाना डैम है जो माही नदी पे है और एक धरोई डैम है साबरमती पे साबरमती हमारे किस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की वजह से फेमस है बाकी तीनों आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हो बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पांच हैं नेक्स्ट स्टेट है हमारा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में हमारे चार इम्पॉर्टेंट हैं एक दुधवा डैम है जो महानदी पे है महानदी ऐसे बहती हुई आएगी और वो बे ऑफ बंगाल में जाके ख़त्म हो जाएगी तो महानदी के ऊपर यहाँ पर जो डैम बना हुआ है वो है दुधवा डैम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डैम छत्तीसगढ़ का है मिनी माता बांगो हासदेव या फिर हासदेव बांगो डैम दोनों इसी के नाम है कहाँ पे है ये हासदेव बांगो डैम ये यहाँ पे है नॉर्थ छत्तीसगढ़ में ये भी काफी इंपॉर्टेंट है हासदेव नदी पर आइए नेक्स्ट है, है गंगरेल डैम जिसे रविशंकर डैम भी कहते हैं ये भी महानदी नदी पर है यहां से ऐसे आ रही है महानदी पहले गंगरेल है और उसके बाद दुधवा डैम है दुधवा नेशनल पार्क वो छत्तीसगढ़ में नहीं है वो कौन से स्टेट में है ये आप मुझे बताओ लास्ट इम्पोर्टेंट डैम है छत्तीसगढ़ का खूटा घाट खूटाघाट हासदेव बांगो डैम के साउथ में है ये हासदेव बांगो डैम था हमारा ये हासदेव बांगो डैम और उसके साउथ में है ये खूटाघाट डैम सो so, सबसे इम्पोर्टेंट इन तीनों में से अगर आप पूछोगे तो मेरे हिसाब से ये तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सो गाइस दैट वाज ऑल फॉर टुडे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस अभी के लिए बाय बाय मिलते हैं अगली वीडियो में